अच्छा जी, जरा निकलते निकलते एक भैया क्या करना है आप यहाँ पे? सर यहाँ पे लाइव स्टॉक लगा हुआ है तो उसके जानकारी हासिल, बहुत जानकारी दे रहे हैं उसके बारे में ये लोग, और मेडिसिन वगैरह है बहुत ज़्यादा उसके बारे में, जो है सिंध गवर्नमेंट जो है प्रमोट कर रही है मेडिसिन को, तो वो उसकी बहुत सारी चीज़ें जो हैं आ रही हैं। बाकी बहुत सारे प्लान्स वगैरह हैं उसके बारे में, फार्मिंग के बारे में, तो बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। तो अच्छा, आप कहाँ से हैं? मैं कराची से आया हूँ। कराची से आए हैं, तो आपका मतलब क्या काम है इसके हवाले से? जी मैं, मेरी भी फार्मिंग है, मेरी गोट फार्मिंग है। अच्छा। बिन खालिद गोट फार्म के नाम। बिन खालिद गोट फार्म, किधर है आपका फार्म? ये मेरा हाईवे पे मेमन गोट पे। मेमन गोट पे, तो क्या रखे हुए आपने? गुलाबी गोट? गुलाबी बकरे, बस उसके अलावा नहीं। तो यहाँ पे तो बड़े महंगे महंगे गुलाबी आए हुए हैं, 15 लाख 20 लाख, तो वो कैटेगरी है आपके पास या? महंगे महंगे तो भाई खुद किए हैं इन्होंने, महंगे महंगे। चलो आप पहला बंदा है जो हक बात बोल रहा है। हाँ, शौक के नाम पे इन्होंने, बस शौक के नाम पे भी क्या किए हैं इन्होंने, आपस में बांट देते रहते हैं, फिर वीडियो बना के बोलते हैं हमने 16 लाख का दे दिया, हमने 15 लाख का दे दिया। अच्छा। और फिर बाकी जो आम ऑडियंस है तो वो फिर उनके ऊपर इम्प्रेशन ऐसा जाता है कि ये बहुत महंगे हो गए हमारी रेंज ऐसा जाता है। हालांकि बकरी की कीमत जो है 40-50 हज़ार रुपए, बहुत से बहुत अच्छी से अच्छी बकरी, अच्छी शौक के लिए 10-20-25 हज़ार रुपए, 30 हज़ार रुपए ज्यादा दे देते हैं। यहाँ तो ये की बात तो नहीं है ना, ये तो बोल रहे हैं कम से कम 20 लाख की कामोरी बकरी है इनके पास। वो तो फिर आप अपनी चीज को, मैं अगर अपना एक चीज अपनी आपको भेज दूँ, अगर आपसे मेरा कोई कांटेक्ट हो, आप मेरे रिश्तेदार हो, एक चीज मैं आपको भेज दूँ, सही है, मैं आपको भेज के वीडियो बना लूँ कि भाई ये 20 लाख रुपए की मैंने दे, और हालांकि 20 हज़ार रुपए मैंने आपसे ना लिए हूँ, सही। तो आम आवाम जो मेरी बाकी की बकरियाँ लेने आएगी तो वो तो मुझसे बोलेगी ना 15 लाख रुपए की भी नहीं दूंगा फिर मैं। सही सही सही। ये आपके भाई हैं, ये भी साथ है? आप वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र। अच्छा आप मुझे जानते हैं? अच्छा अच्छा अच्छा। क्या तो आपको कैसा लगा एक्सपो? आए फर्स्ट टाइम आए या पहले भी? एक्सपो तो फर्स्ट टाइम है। अच्छा, इससे पहले छोटी छोटी जो नुमाइश होती है मीरपुर खास और अच्छा जगहों पे, लेकिन इस स्टैंडर्ड का पहले। अच्छा अच्छा अच्छा, लाइव स्टॉक के अंदर। तो आप भी भाई के साथ होते हैं? बिल्कुल भाई। अच्छा अच्छा, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा वैसे दोनों का? बहुत अच्छा। अच्छा, क्या सीखने को आप लोगों को मिला? बहुत कुछ सीखने को मिला है, बहुत कुछ जो मेडिसिन वगैरह होती हैं। अच्छा, आपका थोड़ा सा क्योंकि गोट फार्म है तो इस वजह से आप मेडिसिन के हवाले से सीखने के लिए भी आए? बिल्कुल बिल्कुल सही है, बहुत ज़रूरी है। तो भाई हम भी करते हैं तो हमें भी पता है कि यार मेडिसिन का जानना जो है ना वो बहुत ज़रूरी है, सबसे ज़रूरी है। इसके अंदर ये है कि फिर बहुत सारा आपका बजट बहुत बच जाता है, चले जाता है। सही सही, डॉक्टर्स वगैरह बंदा पूरा हो जाए, शौक करे या जो है ना डॉक्टर्स की फीस देते रहे। बहरहाल चले भाई, बहुत शुक्रिया आप लोगों से मिलके, बहुत अच्छा लगा भाई। वालेकुम अस्सलाम। सलाम अलैकुम। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह की कुदरत। इनको देख के एक दोस्त याद आ गया मेरे, यासिर पराचा भाई, वो इनका शौक करते थे माशाल्लाह, और बड़ा भरपूर शौक किया उन्होंने भी, अल्लाह की शान। मुझे आज तक इनके वैसे नाम तो याद नहीं हो सके, ब्रह्मा कहते हैं या पता नहीं हैवी कहते हैं इनको, इन दो में से एक चीज़ कहते हैं इनको, बाकी माशाल्लाह बहुत बहुत ज़्यादा हसीन और बहुत बड़े होते हैं। बत्तखें, मोर, माशाल्लाह, लालू खेत बकरा मंडी में, ओह सॉरी पर्ड्स मार्केट में आ गया ऐसा लग रहा है, हो सकता है कि वहाँ से आए हुए वो लोग, उसको लग रहा है कोई बीमारी हो गई है या शायद ऐसे ही बैठते हैं। माशाल्लाह ज़बरदस्त लव बर्ड्स, ये तो जख्मी है। ऑस्ट्रेलियन क्रेस्टेड है ये, वो भी सही नहीं है माशाल्लाह। ये पता नहीं हैवी है या ब्रह्मा है, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत। काफ़ी महंगे होते हैं ये भी, 20-25 हज़ार के होते हैं ये। चलो आगे चलते हैं।
गोल्डन बस माशाल्लाह खूबसूरती देखें आप। माशाल्लाह गोल्डन बफ नाम है इसका, मिनी रेड असील, भी बड़े महंगे होते हैं भाई, शौक वाले लोग बड़े महंगे महंगे रखते हैं ये। भाई ये बड़ी बड़ी बॉन्डे नहीं है, ऑस्ट्रिच के अंडे हैं। कितने का है ये अंडा, एक कितने का? सही उनके तो ये आपके पास रखे हुए इसलिए मैं पूछा। अच्छा अच्छा सही, शुतुरमुर्ग के अंडे। ये क्या चीज़ है? तीतर है और वो काला तीतर है। सही, क्या प्राइस होते हैं इनके वैसे? कुछ ऐसे ही कि मार्केट प्राइस होते हैं ना, कि यार सुना है कि 20-25 हज़ार का होता है, इससे ऊपर के होते हैं। सही, शौक वाली बात है। सर आपको मालूम है कितने का ही? ये एक बंदा कोई ले तो कितने का है? 22,000 2,000 का भाई, भाई ऑस्ट्रिच का अंडा 2,000 का। सही भाई, ये एक कंट्रोल शेड है, मॉडल है एक तरीके से, बच्चों को कैसे जो है बंदा रखे, इतने साफ सुथरे तो खैर नहीं रह सकते। बाकी ये एग्स को जो है वो सेकने वाली मशीन है, बंदा जो है वो ना बिठाए अपने कोई भी जानवर को और इसके ज़रिए उसको अंडे को सिखवा लें। शुतुरमुर्गों की तरफ चलते हैं भाई, सारी मादा है मेरे ख्याल है, एक आध नर दिख रहा है, हाँ दो नर है मेरे ख्याल है। उश आवश है, बहुत ऊपर है भाई, ओ भाई ये तो रेंज में ला के एकदम इतनी दूर से चोंच मार देगा, ये मुझे मार नहीं आ रहा है। बहरहाल कुछ भरोसा नहीं, अल्लाह की शान है, बहुत ज़बरदस्त ताकतवर परिंदे हैं भैया है। के पाँव से ही जो अटैक करते हैं, जब बचना मुश्किल है। बड़े ऊंचे ऊंचे ऑस्ट्रिच हैं भाई, चला आगे चलते हैं। बेचारे के तो पेपर ही उतर गए। तो येलो विंग मकाओ, ब्लू विंग मकाओ, माशाल्लाह अमेज़न उसके हाथ में। इसको क्या कहते हैं, येलो क्राउन करके कुछ कहते हैं। माशाल्लाह मोर की खूबसूरती देखें, माशाल्लाह ये सफेद और कलर वाले का मिक्स, ये सफेद है माशाल्लाह। चले भाई यहाँ पे कुछ ज़्यादा इंटरेस्टेड वैसे हमारी उसमें नहीं है, अपनी जगह ये माशाल्लाह, ये भी बहुत ज़बरदस्त होते हैं और बहुत पसंद किया जाता है, बहुत शौक वाला है ये भी जानवर सारे। तो चलते हैं फिर यहाँ से बाहर। अच्छा जी यहाँ पे मगरमच्छ भी आया, पता नहीं चलता है मरा हुआ है, सांस तो लेता हुआ नहीं दिख रहा। खैर ये पाइथन लटकाए हुए भाई, इनके अपने पैट्स होंगे इस वजह से। ये अपने साथियों को कह रहे हैं सिर्फ इंग्लिश में बात करो। अभी यहाँ पे ऑस्ट्रिच के अंडे रखे हुए थे, अब मगरमच्छ पैदा हो गया यहाँ पे। खैर